ओके, अब आपका कॉपी वर्क स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2 का। अपनी अपनी कॉपीज निकाल लें। राइट डाउन एट द टॉप ऑफ द पेज क्लास वर्क एंड डेट। ठीक है, ये आपने हर पेज पे मेंशन करनी है क्लास वर्क एंड डेट, और आपने ड्रॉ अ प्रॉपर मार्जिन लाइन। ठीक है, ओके, चैप्टर नंबर 2 आपने लिखना है ऊपर। ठीक है, टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, टॉपिक का नेम लिखना है, देन आपकी एक्सरसाइज डी है। ठीक है, और पेज नंबर 18 एक्सरसाइज डी आपके पेज नंबर 18 पर है। ठीक है, फिर आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है नेम द 4 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के आपने 4 पार्ट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, ये आपने फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन उतारना है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे दोबारा से क्लास वर्क और डेट लिखनी है, चैप्टर नंबर 2 मेंशन करना है, वैसे ही आपने टॉपिक का नेम लिखना है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टार्ट करना है विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक टीवी। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट आपका टीवी की तरह लगता है? इसका आंसर है मॉनिटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज इट्स ब्रेन। कंप्यूटर का पार्ट कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो हम कहते हैं कि वो ब्रेन है? सीपीयू। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद दोबारा से आपने नेक्स्ट पेज पे क्लास वर्क एंड डेट मेंशन करना है, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स यू टू टाइप। किस कंप्यूटर के पार्ट से आप टाइपिंग करते हो? कीबोर्ड से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। इसका आंसर है आपके पास माउस। ठीक है, यानी कंप्यूटर के कौन से पार्ट से आप थिंग्स को पॉइंट करते हो? ठीक है, तो इसका आंसर है माउस। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके, आपने कॉपी पे उतारने हैं नीट। ठीक है, नीट आपने उतारने, प्रॉपर क्लास वर्क और डेट डला हुआ होना चाहिए, और मार्जिन लाइन भी आपकी प्रॉपर लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।